पार्टी से मिलकर आतंकी संगठन घोषित करने की करेगी मांग। आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, सरकार ने भेजा आधिकारिक न्योता। नीतीश ने संभाली कमान, सचिवालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। कानून व्यवस्था पर अफसरों से की बात, शाम को कैबिनेट की पहली बैठक। यूपी में सूखे से किसानों की हालत पस्त, लेकिन मुलायम के जन्मदिन के जश्न की तैयारी में जुटी सफाई। 22 नवंबर शाही अंदाज में मनाया जाएगा नेताजी का जन्मदिन। बाबा रामदेव को वाटर नूडल्स के लिए नहीं मिली लाइसेंस, एफएसएसएआई ने पतंजलि को जारी किया कारण बताओ नोटिस, बाबा से मांगा जवाब। स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ तो लीजिए, भविष्य दर्पण में हम फिर हाजिर हो गए हैं पूरे सप्ताह का हाल लेकर के, जहां पर हमारी नजर होती है हर क्षेत्र पर, राजनीति के गलियारों से लेकर के शेयर मार्केट की हलचल, बॉलीवुड में आने वाली फिल्में कितना करेंगे अच्छा बिजनेस, ये तमाम जानकारियां हर हफ्ते हम आप तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणियां भी जो है लगातार सटीक होती रही हैं और सच होती रही हैं। ऐसे में पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने सीएम पद की शपथ जो है वो ले ली है और तारीख रही 20 नवंबर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तारीख है इनके लिए तो अहम रही, लेकिन अगर हम बात करें अंक ज्योतिष के अनुसार तो 20 नवंबर जो है गोचर और साथ ही साथ अगर सितारों के नजरिए से जानना चाहें तो कितना इनके लिए लकी साबित हो सकता है और आने वाले दिन इनके लिए कितने बेहतर होंगे। बहुत ही सटीक सवाल किया आपने, क्योंकि जब हम बिहार की पूरी राजनीति देखते हैं और कल का दिन देखते हैं तो कल का दिन बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, साथ में राहुल गांधी, साथ में अरविंद केजरीवाल और जितना भी तामझाम था वो साफ साफ नजर आ रहा था कि ये सारा महागठबंधन या तामझाम जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो सब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं और कल की अगर हम बात करें, कल का गोचर और कल की अगर हम नक्षत्र की बात करें तो बहुत ही अच्छे नक्षत्र में उन्होंने शपथ की है। और इस शपथ विधि में आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये पर्टिकुलर आज के दिन जो 5 दिन चल रहे हैं वो गोपाष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक बहुत ही अच्छे दिन हैं। इन दिनों में कोई भी कार्य जो किया जाता है वो उसका जो मुहूर्त होता है वो अक्षय मुहूर्त माना जाता है, अभिजित मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि इस समय किए हुए कल के मुहूर्त की अगर हम बात करें तो उस समय मुहूर्त के समय पे जो भी कार्य किया गया यानी उन्होंने शपथ ली तो उसमें आप देखेंगे कि सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम करेगी और इनके आपसी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। मगर डेफिनेटली यहाँ पर 3 चीजें समझ लेनी बहुत जरूरी हैं कि कल इतना बड़ा जो हजूम इकट्ठा हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता वहां पे मौजूद नहीं थे जी। उसके साथ में अगर हम देखिए कल का गोचर कल की प्रश्न कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से डेफिनेटली 1.5 से 2 साल इनके बहुत अच्छे जाएंगे। मैं यहां पर एक बात कह देनी बहुत जरूरी समझता हूं कि आगे आने वाले दिनों में
जो एक नया संगठन, नया सिंडिकेट राजनीति में बनेगा, उस सिंडिकेट में नीतीश कुमार जो है वो नए हीरो के रूप में उभरेंगे। अब हम कल की अगर आप गोचर की बात करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं 1 से 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर कुछ खटास जरूर पैदा होगी, क्योंकि दोनों की कुंडली, लालू जी की कुंडली, लालू जी तो किंग मेकर बन गए वहां पे, बड़े सालों बाद उनको वापिस सत्ता मिली है, वहां पे उन्होंने अपने 2 बच्चों को, अपने नेताओं को शपथ भी दिलवाई। और लालू जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो राहु की महादशा 2010 से चल रही है उनकी। राहु की महादशा 2010 के चलने के बाद उसके सामने नीतीश कुमार की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उनकी भी राहु की महादशा चल रही है जी। और आगे आने वाले दिनों में अप्रैल के बाद में राहुल गांधी की राहु की महादशा शुरू हो जाएगी। तो इन सब कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं और कल के गोचर की बात करते हैं तो डेफिनेटली बिहार को तो एक बहुत बड़ी सरकार, बहुत अच्छा सुशासन, वैसे भी वो सुशासन बाबू के नाम से मशहूर है, एक सुशासन मिलेगा ही मिलेगा। लालू जी और उनके दोनों बच्चे तेजस्वी और तेज प्रताप सिंह और उनकी बेटी निशा भारती, इन तीनों के सहयोग से भी बिहार में जो आगे आने वाले दिन हैं वो बहुत ही अच्छे दिन हैं। अच्छे दिनों की बात नरेंद्र मोदी साहब करते थे, मैं तो बोलता हूं कि बिहार एक ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जो यहाँ पे माइनिंग है, यहाँ पे जल संसाधन है, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटीज है, यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं है। बिल्कुल, तो की कमी किस चीज की? जी बिल्कुल पंडित जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो शपथ समारोह हुआ और शपथ जब ली गई है तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में ली गई है, तो नीतीश कुमार के लिए अब एक बहुत ही, एक कह सकते हैं बहुत ही अच्छे समय जो है उनके लिए शुरू हो गए। लेकिन अगर हम बात करें बिहार की सरकार जो है अब कैसा काम कर पाएगी और जिस तरह का महागठबंधन इनका बना, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस, क्या कहेंगे कि आगे भी इनका जो ये महागठबंधन है एक मजबूत कड़ी के तौर पर ही बना रहेगा और इनके जो संबंध है आने वाले समय में यानी भविष्य में कैसे रहेंगे? देखिए ऐसा है कि जब आदमी अपने संगठन की बात करता है, महागठबंधन की यात्रा जो है वो कल से शुरू हो चुकी है। इलेक्शन से पहले लोग पशोपेश में थे कि कौन जीतेगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी तरह से हराया महागठबंधन ने। वहां पे लालू जी का जालो जलाल चला, राहुल जी जो हैं उनकी भी किस्मत वहां पे चमक गई, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार जो हैं वो इस पूरे गठबंधन के और पूरे खेल के हीरो बनकर उभरे। आगे आने वाले दिनों में जो सरकार की बात करते हैं आप, डेफिनेटली लालू जी के दोनों बच्चों के, तेजस्वी और तेज प्रताप की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो वो एक बात तय है, नीतीश कुमार के राइट एंड लेफ्ट माइंडेड, ये बिहार के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए एक बहुत ही सुखद समाचार है कि उनके, नीतीश कुमार के साथ राइट और लेफ्ट होकर नीतीश कुमार को और मजबूत करेंगे। और मजबूत करते करते ये पटना से यात्रा चल रही है, पटना से चलती चलती ये दिल्ली में आकर रुकेगी और उसका परचम दिल्ली में कब लहराएगा, 17/7/2017 के बाद एक ऐसा महागठबंधन दिल्ली में बनेगा जिसमें ममता भी होंगी, जिसमें अब्दुल्ला भी होंगे, जिसमें कांग्रेस भी होगी, लालू जी भी होंगे, नीतीश कुमार भी होंगे और बाकी अन्य पार्टी जिसमें एनसीपी भी होंगी। इसलिए बिहार में तो प्रगति होगी ही होगी, मगर देश को एक नया नेता, एक सुशासन बाबू मिलने जा रहा है। वो बिहार से उसकी यात्रा शुरू हुई है, देश में दिल्ली की सरकार, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के योग्य बनते हैं, क्योंकि राहु पराक्रम के घर में बैठा हुआ है। नीतीश कुमार का राहु की महादशा चल रही है, लालू जी की राहु की महादशा चल रही है, राहुल गांधी की राहु की महादशा चल रही है। हमारे देश में 70% राष्ट्र प्रधानमंत्री जो बने हैं वो राहु की महादशा में बने हैं, और यहां पर इन तीनों की कंपेटेबिलिटी चार्ट बनाते हैं तो कारमा बनता गया, आप देखेंगे दुनिया जुड़ती जाती है। जिस तरह नरेंद्र मोदी के साथ में पूरा देश जुड़ा था, इसी तरह कहीं ना कहीं मुझे इस सुशासन बाबू में अगला प्रधानमंत्री तक नजर आता है, और कहीं ना कहीं इनकी दशा जो है वो बहुत अच्छी है। और लालू जी को एक सलाह दूंगा मैं आपके माध्यम से, उनका राहु
छठे घर में नीच स्थान पर बैठा हुआ है, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। उनको ऑलरेडी हार्ट समस्याएं आ चुकी हैं, मगर बिहार में सुशासन था, सुशासन शुरू हो गया है और बिहार की प्रगति आप देखेंगे। बिहार में जापान, अमेरिका, कोरिया जैसी कंपनी जो देश जो है वो आकर निवेश करेंगे और बिहार यहाँ से कम 100 से 150% अगले 5 सालों में प्रगति करेगा। बिल्कुल, यानी कि बिहार जो है प्रगति की तरफ अग्रसर हो रहा है। लेकिन दिल्ली की बात आपने कही, लेकिन अब हम बात करें दिल्ली में जो है संसद का शीतकालीन सत्र भी शुरू होने वाला है 1 महीने, और गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये सत्र भी चलेगा। ऐसे में जानना चाहेंगे कि कितना कामयाब रहेगा इस बार ये। देखिए, पिछले संसद के सदन में तो पूरी तरह से सरकार ने ऐसा समझ लीजिए कि रोज का 3 से 4 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन का होता है, तो पूरा सदन जो है वो धुल गया था। अगर आपको याद होगा, कोई भी बिल पास नहीं हो सका था, किसी भी तरह की कोई भी सकारात्मक खबर नहीं आ पाई थी। मगर यहाँ पर कांचन जी, एक बात तय है कि ये संसद का सदन जो होगा उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये सदन भी जो है इसी तरह कांग्रेस, नीतीश कुमार, लालू या बाकी अन्य पार्टियां जो हैं वो चलने नहीं देंगी। इस बार भी जनता के गाड़ी कमाई का नुकसान होगा। संसद के चलने के बहुत कम आसार हैं। जितने भी बिल हैं वो वापस पोस्टपोन होते हुए देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देश के नायक के ऊपर बैठे हुए ग्रह दशा जो है माननीय नरेंद्र मोदी की कुंडली वृश्चिक राशि है, भारतीय जनता पार्टी की वृश्चिक राशि है, मैं बार बार दोहराता हूं। इसलिए उन सूर्य और शनि इकट्ठे हुए हुए हैं, साथ में बुध जो कि व्यापार का कारक है। जितने भी बिल्स हैं वो तो व्यापार के हैं ना, व्यापार और महंगाई के हैं। 200 रुपए दाल 250 रुपए होगी, 300 रुपए होगी, मगर ये बिल पास होते हुए विरोधी पक्ष नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं श्री खलल पड़ती दिखेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी, खलल पड़ती दिखेगी नहीं, पड़ेगी जी। आई विल यूज द वर्ड नॉट शेल, आई विल यूज द वर्ड विल। ये खलल बुरी तरह से पड़ेगी, क्योंकि अब तो विरोधी और मजबूत हो चुका है जी। इसलिए एक बात मेरी आपके माध्यम से सलाह है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को करबद्ध प्रार्थना है कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, इनको सामने आकर, जनता के सामने आकर, संसद में सामने आकर अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ेगा जी। तब जाकर इस देश का उद्धारीकरण हो सकता है। बिल्कुल, फिलहाल जी आपसे आगे भी जानकारियां लेंगे, जैसे कि शाहरुख और काजोल की जो एक मूवी है दिलवाले आने वाली है, जानना चाहेंगे, कंपैरिजन शुरू हो चुका है अभी से कि DDLJ के मुकाबले ये फिल्म भी उतनी ही बम्पर हिट हो पाएगी कि नहीं, ये जानकारियां। और साथ ही साथ शेयर बाजार की जो उथल पुथल है इसके बारे में जानकारी लेंगे आपसे ब्रेक के उस पार। वक्त है ब्रेक का, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। क्या देश के मुसलमानों को ISIS से बचाने की जरूरत है? क्या नौजवानों को आकर्षित करता है आतंक? क्या ISIS इस्लाम की आवाज है? इस्लाम के नाम पर दहशत क्यों? देश के सबसे सुलगते सवालों पर सबसे बड़ी बहस, हरम संसद लाइव आज शाम 5 बजे। बंदर देखा, बारा सिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका, पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेट का, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में कुत्ते अंदर झांक देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा।
The heart of incredible India, Madhya Pradesh. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण, और हमारे साथ बने हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। अब शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे पंडित जी की शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE के नजरिए से ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, कितना उतार चढ़ाव रहेगा? देखिए, हम पिछले सप्ताह की अगर बात करें तो हमने बोला था कि आई एम नॉट बुलिश ऑन मार्केट, आई एम बेरिश इन मार्केट। मार्केट नीचे गिरती हुई दिखाई दे रही है। मैंने बोला था कि 25,000 का आंकड़ा भी तोड़ सकती है। हमारा नीचे का जो है 24,800 था और ऊपर का 25,800 और 26,000 तक था। मार्केट ने जो कल की क्लोजिंग दी है वो 25,800 के करीब करीब दी है, यानी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट 26,000 पार कर गई है। अब हम ग्रह दशा की बात करें और बुध को जो ट्रेडिंग का कारक है उसकी बात करें, अंतरराष्ट्रीय क्लू की बात करें, कहीं ना कहीं पेरिस, माली और जगह के ऊपर आतंकवाद जिस तरह से फैला हुआ है, हमने पिछली बार बोला था कि 2 भूकंप आने के योग हैं, कहीं ना कहीं धरती भी हिली है जी। अब अगर हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं कंचन जी, तो नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है 26,100 उसका ऊपरी स्तर है। मैं अभी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बुलिश नहीं हूँ। नीचे का स्तर 25,000, कभी भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 25,000 का आंकड़ा तोड़ सकती है अगले हफ्ते में, मगर अगले 40 दिनों में डेफिनेटली एक बार ऐसा समय जरूर आएगा जब ये 25,000 का आंकड़ा तोड़ेगी। मगर इस हफ्ते के लिए 25,000 हमारा नीचे का स्तर है और ऊपर का स्तर है 26,100 मैक्सिमम। निफ्टी की बात करें तो ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 8,050 का आंकड़ा पार करेगी। इस वक्त 7,800 के करीब करीब घूम रही है। नीचे का स्तर निफ्टी का हमारा 7,700 ही रहेगा कांचन जी, क्योंकि बाजार में उथल पुथल साफ नजर आती है। भारतीय बाजार में कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय क्यूज हैं, उसका असर पड़ता है। इन्फोसिस सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है जिसके कारण मार्केट अभी तक संभल नहीं पा रही है। डेफिनेटली मिड कैप में एक अच्छी खरीदी आ रही है जी कांचन जी। बिल्कुल, तो गोल्ड जी आप कुछ कह रहे थे गोल्ड को लेकर के कि क्या गोल्ड में निवेश करना फिर अभी क्या कहेंगे कि वाजिब रहेगा, ठीक रहेगा कि नहीं अभी निवेश करना चाहिए सोना चांदी? देखिए, जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं तो एक बात पक्की है कि गोल्ड अभी भी मेरा फेवरेट मेटल है। 25,500 के 25,400 के करीब करीब गोल्ड जो है इस वक्त इंडिया में जो है वो पर 10 ग्राम चल रहा है। 25,200 25,100 मेरा नीचे का स्तर है, ये नीचे और जाता हुआ दिखाई नहीं देता है। अगले 3 महीने 6 महीने की अगर बात करें तो ये 3,000 रुपए आपको 10 ग्राम के ऊपर भी दे सकता है, मगर इस हफ्ते जो है वो डेफिनेटली 25,850 और 26,000 के करीब करीब जो सोना है वो जा सकता है। और अभी इस वक्त वातावरण ऐसा होता है कि क्रिसमस आ रही है, क्रिसमस में ज्यादातर इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट निकाल कर छुट्टियों पे चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सोने चांदी में या कमोडिटीज में या बोर्सेज में या स्टॉक एक्सचेंजेस में ये दिसंबर महीना ऐसा ही रहता है। ऊपर से शनि और सूर्य की दशा, तो चांदी की बात करें तो चांदी एक ऐसे स्तर पर आई हुई है जो मैं पिछली बार भी बोल रहा था, ऐसे स्तर पर चांदी आई हुई है। चांदी खरीद लेना बहुत ही बड़ी अकलमंदी होगी। यहां से चांदी गिरती दिखाई नहीं देती। 33,000 नीचे का और ऊपर का 38,000 रुपीज का ऊपर का स्तर है मेरा, इसलिए चांदी कैन गिव यू 4,000 to 5,000 रुपीज पर केजी। अगर हम तेल की बात करें तो तेल भी इस वक्त 2,800 के करीब करीब पर बैरल घूम रहा है। तेल आगे आने वाले दिनों में वापिस 3,000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। तेल, सोना और चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस के साथ। और कमोडिटीज की बात करें तो किसी विशेषज्ञ के भी सलाह लें, हमारी भी सलाह लें, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लॉसेज एंड योर प्रॉफिट्स। डेफिनेटली हमारी भविष्यवाणियां सच होती हैं, होती रहेंगी आपकी दुआ से, मगर अपनी समझ
और अपने विशेषज्ञ की समझ और हमारी भविष्यवाणी और विश्व की खबर उसको देखकर आप इन्वेस्टमेंट करें। पैसा बड़ी मेहनत से कमाते हैं आप दर्शकों, उसको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करें, अपने बच्चों के भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करें। जी जी पंडित जी, अभी आपने कहा कि सूर्य और शनि की जो युति है कहीं ना कहीं शेयर मार्केट में जो है गिरावट का माहौल भी इस वजह से देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें कि अर्थनीति पर, भारत की जो अर्थनीति है इसको लेकर कुछ कहना आप चाहें, ग्रहों का जो गोचर है, ग्रहों की जो स्थिति बनी हुई है, अर्थनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैं आज वापिस एक आदमी की वकालत करता हूँ यहाँ से ग्रह दशा को छोड़कर, वो है माननीय मनमोहन सिंह। माननीय मनमोहन सिंह एंड चिदंबरम साहब की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पे कि जिस तरह की आर्थिक नीतियां उन्होंने बनाई थी उसके ऊपर देश अगले 100 साल चल सकता है। मगर कहीं ना कहीं आज आपने भविष्य पूछा है अर्थनीति का, हमारा देश काल सर्पदोष से बाहर आ चुका है। जीडीपी की बात करें, चाहे जीडीपी नीचे चली जा रही है मगर 15 अगस्त 1947 की डेट ऑफ बर्थ के ऊपर जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमारा भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म होगा, इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म होगा। आगे आने वाले दिनों में भारत में पूरा विश्व इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना को छोड़कर भारत में इन्वेस्टमेंट करेगा। और अर्थनीति की बात करें तो नीतियां देश के मंत्री बनाते हैं, उनकी सफल नीतियां हो या ना हो मगर ग्रह दशा देश के पक्ष में है। चाहे मोदी आए, चाहे राहुल आए, चाहे नीतीश कुमार आए, देश आगे आने वाले दिनों में, मार्केट की अगर आप बात करें कांचन जी, तो मार्केट 3000 से 30000 तक पहुंच चुकी थी, आज नीचे गई है। मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाती नहीं दिखाई देती, 24 से 23000 से नीचे नहीं, ऊपर का स्तर बाजार का आज भी 30000 के ऊपर का है। क्योंकि चाइना की परिस्थिति देखिए, ग्रीस में बेल आउट हो गया उसके बावजूद भी हमारा बाजार नहीं गिरा। चाइना में 144 बिलियन डॉलर का उन्होंने बेल आउट कर होते हुए बचाया, तब भी हमारे देश में घिसरन नहीं आई। कहीं ना कहीं फ्रेडी एंड फ्रेनी, बैंक ऑफ अमेरिका, मॉर्गन एंड स्टैनली, ऐसी कंपनियां बेल आउट के लिए गई मगर भारतीय अर्थव्यवस्था नए से नए आयाम पैदा करती रही और आगे आने वाले दिनों में भी कोई हिला पाएगा भी नहीं अब। जी चलिए, अब हम बात करेंगे बॉलीवुड की। बॉलीवुड में खास तौर पर अभी हम बात करें शाहरुख और काजोल के जो फैंस हैं, इनके लिए तो खुशखबरी वाली बात यह है कि इनकी जो हिट जोड़ी है एक बार फिर बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। फिल्म का नाम है दिलवाले। क्या कहेंगे, DDLJ जैसा धमाल मचा पाएगी ये फिल्म? देखिए, शाहरुख खान की जब हम कुंडली का अध्ययन करते हैं तो शनि की महादशा चल रही है उनकी। शनि उनकी पत्नी स्थान में बैठा हुआ उनके शरीर स्थान को देखता है और कैरियर के घर को देखता है। कुंभ राशि का शनि जो है वो वर्गोत्तम माना जाता है, डेफिनेटली शुक्र का मित्र है क्योंकि शुक्र फिल्मों से जुड़ा हुआ है, डिजाइनिंग के साथ जुड़ा हुआ है, चमकने वाली दमकने वाली दिखावे की चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है। शाहरुख खान और काजोल की अगर हम कुंडली का अध्ययन करें तो डेफिनेटली, और उसके ऊपर गौरी खान जिन्होंने ये फिल्म जो है निर्माण की है उनकी कुंडली का अध्ययन करें, निर्माण प्रोड्यूस की है, एक बात तय है कि कहीं ना कहीं दिलवाले दुल्हनिया जैसा ही व्यापार करने के योग्य ये फिल्म है। मैंने जैसे पहले प्रेम रतन धन पायो के बारे में आपको बताया था, फिल्म देखने में बेशक सोसो थी मगर कहीं ना कहीं फिल्म ने धमाकेदार परफॉर्मेंस की, धमाकेदार कमाई की, मगर भी अच्छा किया है यहाँ पर ये फिल्म। हाँ, कलेक्शन बहुत अच्छा हुआ है। देखिए, फिल्म बनाने वाले को तो कलेक्शन से मतलब है, पैसे से मतलब है, यहाँ पर भी ये फिल्म जो है डेफिनेटली 300 करोड़ के कलेक्शन क्लब में जाएगी क्योंकि शाहरुख की कुंडली आगे आने वाले 10 साल तक बहुत ही और अच्छी है। उनको अपनी सेहत का और दुर्घटनाओं से बचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं छोटी मोटी दुर्घटना जैसे कंधे की चोट लग गई, कमर की चोट लग गई, क्योंकि शनि जो है वो केतु और राहु कहीं ना कहीं बोन्स के साथ में भी संबंध होता है। मगर डेफिनेटली शाहरुख जो आगे आने वाले दिनों में और 50 फिल्में अच्छी दे सकते हैं। बिल्कुल, अब आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शक आपका पूरे सप्ताह इंतजार कर रहे होते हैं, ऐसे में उनके लिए सप्ताह आप क्या कुछ खास लेकर आए हैं? देखिए, यहाँ तक मेष राशि की बात करें तो मेष राशि वालों के लिए दिन उत्तम है। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा मत करें, डेफिनेटली 70% उत्तमता भरा दिन है, गणपति बप्पा की आराधना करें। वृष राशि वालों की बात करें तो वृष राशि शुक्र की राशि है, फिल्में अच्छी चलेंगी, आपके डिजाइनिंग के काम अच्छे चलेंगे, व्यापार में वृद्धि होगी, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें।
मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि वाली स्त्रियां कोई नया व्यापार शुरू करेंगी, व्यापार में वृद्धि होगी। कर्क राशि की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाले, सॉफ्टवेयर मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोग अच्छे काम और सफल प्रयोग करेंगे। सिंह राशि वालों से सूर्य की राशि है, अपनी आत्मा को असुरक्षित मत होने दें, मित्रों के ऊपर और अपने लोगों पे कम विश्वास करें, अपनी पत्नी पे ज्यादा विश्वास करें। डेफिनेटली ये सप्ताह आपके लिए मिश्रित फल लेकर आया है। कन्या वालों के लिए शिक्षा का प्रावधान अच्छा है, विद्यार्थी अच्छा काम करेंगे, शिक्षक अच्छा काम करेंगे, स्कॉलर अच्छा काम करेंगे। तुला वृश्चिक और धनु तीनों के ऊपर साढ़े क्षति चल रही है, इनको ध्यान रखना चाहिए। तुला वालों को थोड़ा ठीक ठाक है, मगर वृश्चिक और धनु वालों को थोड़ा स्पेशली ध्यान रखना चाहिए अपनी सेहत का, अपने ब्लड प्रेशर का, अपनी डायबिटीज का। मकर और कुंभ वालों के लिए भी दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि चारों दिशाओं से आपको लाभ मिलेगा, लोग आपकी जय जयकार करेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शनि बेशक सूर्य के साथ में है, मगर कहीं ना कहीं आपके राशि के स्वामी शनि हैं, आपको धन लाभ के योग बनते हुए दिखाते हैं। मीन राशि वाले, मछली की राशि या देखते होंगे आप, विचलित रहेंगे, रेस्टलेस रहेंगे, इस रेस्टलेस में कोई नुकसान ना कर बैठे तो इसलिए मेडिटेशन करें और लंबा सांस लेकर छोड़ें तो डेफिनेटली आपके जीवन में स्थिरता आएगी। जी पंडित राजकुमार शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए आपका। और भविष्य दर्पण में भी आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चेयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना, देखिए। किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं, सो स्वीट। Come on. पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियो कॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियो कॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। क्या मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू? 21 नवंबर से 24 नवंबर, 4 दिन पल पल की खबर। दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा, बड़ी कवरेज। रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर।
मनुष्य ने पंच महाभूतों पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि को प्रदूषित कर यमराज के हाथों में बहुत ताकत दे दी है। आज हवा पानी फल सब्जियों में लेड आर्सेनिक मर्करी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल की खास पेशकश भविष्य दर्पण में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने ज्योतिर्विद पंडित राजकुमार शर्मा जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार नमस्कार जी। हाँ, तो लीजिए भविष्य दर्पण में हम फिर हाजिर हो गए हैं पूरे सप्ताह का हाल लेकर के, जहां पर हमारी नजर होती है हर क्षेत्र पर, राजनीति के गलियारों से लेकर के शेयर मार्केट की हलचल, बॉलीवुड में आने वाली फिल्में कितना करेंगी अच्छा बिजनेस, ये तमाम जानकारियां हर हफ्ते हम आप तक पहुंचाते हैं। और जैसे कि आप जान ही चुके हैं कि पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणियां भी जो है लगातार सटीक होती रही हैं और सच होती रही हैं। ऐसे में पंडित जी अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो नीतीश कुमार हैं उन्होंने सीएम पद की शपथ जो है वो ले ली है और तारीख रही 20 नवंबर। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तारीख है इनके लिए तो अहम रही, लेकिन अगर हम बात करें अंक ज्योतिष के अनुसार तो 20 नवंबर जो है गोचर और साथ ही साथ अगर सितारों के नजरिए से जानना चाहें तो कितना इनके लिए लकी साबित हो सकता है और आने वाले दिन इनके लिए कितने बेहतर होंगे। बहुत ही सटीक सवाल किया आपने, क्योंकि जब हम बिहार की पूरी राजनीति देखते हैं और कल का दिन देखते हैं तो कल का दिन बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, साथ में राहुल गांधी, साथ में अरविंद केजरीवाल और जितना भी तामझाम था वो साफ साफ नजर आ रहा था कि ये सारा महागठबंधन या तामझाम जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं वो सब एक ही व्यक्ति के विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं, वो है माननीय श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी। आप देख रहे हैं, और कल की अगर हम बात करें, कल का गोचर और कल की अगर हम इसे मिलकर आतंकी संगठन घोषित करने की करेगी मांग। आगामी गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद, सरकार ने भेजा आधिकारिक न्योता। नीतीश ने संभाली कमान, सचिवालय में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, कानून व्यवस्था पर अफसरों से की बात, शाम को कैबिनेट की पहली बैठक। यूपी में सूखे से किसानों की हालत पस्त, लेकिन मुलायम के जन्मदिन के जश्न की तैयारी में जुटी सफाई, 22 नवंबर शाही अंदाज में मनाया जाएगा नेताजी का जन्मदिन। बाबा रामदेव को वाटर नूडल्स के लिए नहीं मिली लाइसेंस, FSSAI ने पतंजलि को जारी किया कारण बताओ नोटिस, बाबा से मांगा जवाब।